पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये आरोपी दरअसल गो तस्कर हैं, जिन्हें पुलिस ने नाका लगाकर गिरफ्तार किया है। पूरा मामला पलवल का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि उमरुद्दीन तालीम नसम और वकील, जो गोकशी का धंधा करते हैं, एक कंटेनर में गोवंश लेकर केजीपी एक्सप्रेसवे से केएमपी होते हुए नूह जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने केजीपी पर टोल प्लाजा के पास नाकाबंदी कर दी और कुछ ही मिनट बाद एक ऑल्टो कार को रुकने के लिए हाथ दिया, मगर आरोपी नहीं रुके और कार को पुलिस कर्मियों पर भी चढ़ाने लगे। किसी तरह पुलिस ने आरोपियों से अपनी जान बचाई और उन्हें दबोच लिया। इसके बाद इनके पीछे से कंटेनर में दो और आरोपी आ रहे थे, जो कंटेनर को छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की कि एक गाड़ी ऑल्टो जो कि पायलट कर रही है, वह दूसरा गाड़ी जो कंटेनर है जिसमें गौधन है। इस सूचना को सच्चा मानकर हमने एक पुलिस पार्टी तैयार की, जिसमें एएसआई हरबीर ने केजीपी पर एक टोल पर नाका लगाया। नाका लगाने के दौरान तभी एक ऑल्टो गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। गाड़ी के ड्राइवर ने उस गाड़ी को पुलिस पार्टी पर चढ़ाने की कोशिश की। इसी दौरान उसने अपनी गाड़ी को बैक कर भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पीछे से कुछ गाड़ियाँ आ गई थी जो उसे वो मोड़ नहीं सका और हमारी पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया। जब गाड़ी को चेक किया तो कंडक्टर वाली सीट के नीचे से एक कट्टा व दो रौंद जिंदा मिले, और पूछताछ पर उन दोनों ने बतलाया कि उनकी एक गाड़ी कंटेनर आ रही है जिसमें गाय भरी हुई है। इसी दौरान दूर से एक गाड़ी दिखाई, कंटेनर आता हुआ दिखाई दिया, उसने भी दूर से ही देख लिया था। पुलिस पार्टी को देखकर कंटेनर को वहीं छोड़कर भाग निकले। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे उस अंधेरे में खेतों में कूदकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ऑल्टो, एक कंटेनर और 30 गोवंशों को भी बरामद किया। पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने बताया कि ये गोवंश वो अलीगढ़ से लेकर आ रहे हैं और इन्हें अरबाज को गोकशी के लिए सौंपना था। पुलिस ने मामले में उमरुद्दीन तालीम नसम वकील अरबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।